एवरीवन, दिस इज निकेतन हियर। तो एज पर दिस शेड्यूल, डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल वैकेंट सीट फॉर कैप राउंड 2, ये आज गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिया है उनके वेबसाइट पे। तो एज पर दिस इंस्ट्रक्शन, कल से मतलब 7 तारीख, मंडे, ट्यूसडे और वेनसडे 9 तारीख तक आप अपने कैप राउंड 2 के फॉर्म को भर सकते हो, राइट। एंड उसमें से जो कॉलेज आपको मिलेगा उसका अलॉटमेंट आपका 11 तारीख को होगा, राइट। तो जिन जिन लोगों ने फर्स्ट कैप राउंड में फ्लोट किया था, वो सारे स्टूडेंट नए सिरे से अपने 30-40 कॉलेजेस को अपडेट करेंगे। और जिन जिन स्टूडेंट्स ने बेटरमेंट किया था, जो भी कॉलेज आपको मिला था उसके लिए आपने 1,000 रुपये भरा है, ये कॉलेज आपको लास्ट में दिखेगा। उसके ऊपर आप नए सिक्वेंस में जो चाहिए कॉलेजेस को आप अपडेट करोगे, एंड उसके हिसाब से आपका अलॉटमेंट होगा। अगर इसमें से एक भी कॉलेज अगर आपको मिल गया तो यहाँ की आपकी सीट निकल जाएगी, और इसमें से एक भी कॉलेज अगर आपको नहीं मिला तो यहाँ पे आपका क्लेम कायम रहेगा, और आप वापिस उसको जो भी कॉलेज मिलेगा यहाँ से और यहाँ से, ये आपके हाथ में ऑप्शन होगा कि आपको बेटरमेंट करना है, कि फ्रीज करना है, कि आपको कुछ भी नहीं करते हुए थर्ड कैप राउंड के लिए क्वालिफाई करना है। तो ये सारे प्रोसेस के लिए आर टीम इज विथ यू। तो जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी ऐड हुए हैं, तो आपको सेकेंड कैप राउंड के लिए हम कॉलेजेस के ऑप्शन प्रॉपरली उसका लिस्ट बना के देंगे। अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए हो तो आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप करके हमारे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। अभी सेकेंड बात है, इस पर्टिकुलर सेकेंड कैप राउंड के लिए जो वैकेंट सीट आया है उसके हिसाब से आप कुछ कंक्लूजन कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे ये पीडीएफ आपको दिखेगा, तो इस पीडीएफ पे अगर आप जाओगे तो लेट्स गो टू जेबीएमएस। जेबीएमएस मुंबई की तरफ मुड़ते हैं, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई में, तो जेबीएमएस कैप राउंड सीट 6, यहाँ पे टोटल इनटेक सिडनी में देखोगे तो 29, महाराष्ट्र स्टेट सीट 26, ऑल इंडिया 3, ओके। और ऐसा हर जगह पे आपको हर कॉलेजेस का चैप्टर दिखेगा, बराबर। वेलिंगकन में अगर आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट लेवल सीट उन्होंने 24 दिखाया है, 36 सीट, ओके। सीट इनटेक 120, महाराष्ट्र सीट 33, और यहाँ पे 12, 7 ये आपको दिखाई दे रहा है। तो इस नंबर से आपको जजमेंट ले सकते हैं क्या? कुछ लोग बहुत खुश हुए होंगे कि अरे यहाँ पे सीट बाकी है, और या कुछ लोग बहुत निराश हुए होंगे, यहाँ पे सीट बहुत कम दिख रहा है। तो आप इस पर्टिकुलर नंबर से कुछ जजमेंट ले सकते हैं कि नहीं, तो मेरा सजेशन होगा 90% इससे आपको क्लियर पिक्चर नहीं दिखेगा। क्यों? बिकॉज ये जो सीट आपको यहाँ पे भरे हुए दिख रहे, देखो 120 में से अगर मैं 36 सीट को माइनस करेगा तो मैं सेफर से 35 लेता हूँ, बराबर। तो 10 में से 5 गए, यहाँ पे 95 सीट। तो ये 95 सीट जो अभी भरे हुए दिख रहे हैं वेलिंगकर कॉलेज में, तो इसमें से कुछ सीट बेटरमेंट होंगे, कुछ सीट फ्रीज होंगे। तो फ्री सीट वाला ऑटोमेटिकली कैप राउंड के बाहर निकल चुका है, लेकिन बेटरमेंट वाला बंदा भी, ओके, बेटरमेंट वाला बंदा भी इस वेलिंगकर के बाद वो ऊपर सिडनी में आने का ख्वाब दिख रहा है इस 29 सीट में, राइट। तो कुछ लोग जजमेंट लेंगे कि नहीं, हमको अभी यहाँ पे सीट थोड़ा कम दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आउट हो गए, तो नहीं, बराबर। ये जो सीट आपको भरा हुआ दिख रहा है, ये सीट भरा हुआ फ्रीज प्लस बेटरमेंट, ये दोनों स्टूडेंट से भरा हुआ दिख रहा है। तो डेफिनेटली बेटरमेंट के बंदे ने अभी माइंड ही नहीं बना लिया है कि उसको उस कॉलेज में जाना है कि नहीं, बिकॉज वो बेटरमेंट के ऊपर बेटरमेंट ही करता रहेगा कैप राउंड 3 तक। और कैप राउंड 3 में आने के बाद भी वो डिसीजन ले सकता है कि उसको कैप राउंड 2 के बाहर जाने का है, जो कॉलेज मिला है उसको लेने का नहीं है, राइट। तो फिर वो जो रिमेनिंग सीट बाकी है जो कैप राउंड 3 के बाद भी नहीं भरे जाएंगे, वो भी इंस्टीट्यूट लेवल पे भरा जाएगा। जो कॉलेजेस माइनॉरिटी है वो माइनॉरिटी के थ्रू अगर भरा ही नहीं गया, राइट, तो वो सीट भी इंस्टीट्यूट लेवल पे चला जाएगा। अब यहाँ पे ऑर्फन का सीट है, तो ऑर्फन का सीट अगर भरा नहीं गया तो वो भी इंस्टीट्यूट लेवल पे चला जाएगा, राइट। तो इस पर्टिकुलर नंबर के थ्रू आप कुछ भी जजमेंट नहीं ले पाओगे, 90% आपको यहाँ पे पिक्चर क्लियर नहीं होगा, राइट। तो सिंपल बात है कि इसको आप सिर्फ ग्लांस कीजिए एंड छोड़ दीजिए, ज्यादा उसमें इन डेप्थ मत जाइए। कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट का आपको ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। और फ्रीज और फ्लोट का जब आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो आपको जजमेंट ही नहीं आएगा कि हाउ यू गाइज आर गोइंग टू गो अहेड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसके लिए आप लोग सिंपल वे से
अभी आपका जो रैंक आया है राइट, और आपका लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से आप लोग अपना सेकेंड कैप राउंड के लिए लिस्ट बनाइए। बेटरमेंट के लिए अगर आपको जो भी कॉलेजेस मिला है, प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ऊपर के जो कॉलेजेस है थोड़ा सोच समझ के डालोगे, बिकॉज एकदम घटिया कॉलेज अगर गलती से आपने इसके ऊपर डाल दिया, एंड अगर आपको इसके ऊपर का कॉलेज मिल गया ये, तो ये कॉलेज आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बहुत सोच समझ के आपको ये अभी गेम खेलना है राइट। जिन्होंने फ्लोट किया था, जिनको पूरा ऑप्शन आपने प्रॉपरली आपको भरना है, ये भी प्रॉपर सिक्वेंस से आप भरिए। जो लास्ट ईयर का लास्ट टाइम का जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था, थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इस ऑप्शन फॉर्म को भरिए, बिकॉज वही ऑप्शन फॉर्म डाला और जो कॉलेज आपको यहाँ पे मिला था, वही अगर आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल गया, तो अभी फिर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज पानी में चली गई राइट। तो ये सारे प्रोसेस में माई टीम इज विथ यू, ब्राइट फेस टीम इज विथ यू। कभी भी आपको मदद लगेगी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट के पास मेरा नंबर है, तो कल 3 दिन मतलब मंडे ट्यूसडे वेनसडे, ये 3 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 50% लोग यही गलती कर रहे हैं कि मंडे को जैसे ही फॉर्म ओपन हो गया, 1 घंटे में घाई घाई करके अपने फॉर्म को भर दिया। क्यों उस घाई करने की जरूरत नहीं है, आप वेनसडे को शाम रात तक आप ये फॉर्म को भर सकते हो, वहां पे उन्होंने डेडलाइन नहीं दिया है, तो वेनसडे सुबह तक आप इस फॉर्म को भरवा दीजिए। तो आई होप ये वीडियो ने आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी दिया होगा राइट। तो अननेसेसरीली खुद का रिसर्च कर रहे हो, ये वैकेंट सीट है, अभी ये मुझे मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, इस पर्टिकुलर चक्कर में या भ्रम में मत रहिए, बिकॉज बेटरमेंट और फ्रीज का परफेक्ट नंबर आपको पता नहीं है। ओके, तो आई होप आप सेकेंड कैप राउंड के लिए रेडी हो। कुछ भी मदद रखेगा, यू कैन गिव अस अ कॉल। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।